ये वीडियो चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का पहला हिस्सा है जिसमें हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स डिस्कस करेंगे। बुक वन में हमने फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा, जो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके एटम्स एक जगह पर फिक्स नहीं होते, किसी भी वक्त किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। फ्लूइड्स के अंदर लिक्विड्स और सॉलिड दोनों शामिल हैं, लिक्विड्स और गैसेस ऐसी चीजें जो फ्लो करती हैं। अब हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर एटम्स खास लोकेशन के ऊपर मौजूद होते हैं और अपनी लोकेशन से वो हट नहीं सकते, क्योंकि एटम्स के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होती हैं जिनको हम बॉन्ड्स कहते हैं, जो एटम को अपनी लोकेशन के ऊपर फिक्स रखते हैं। मगर फिर भी एटम वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजिशन के अराउंड, सिंपल टू एंड फ्रो मोशन। मगर इन दो एटम्स के बीच में जो इनकी जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन चेंज नहीं होती, और इनके बीच में जो मीन डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच में वो चेंज नहीं होता। इनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है उसको हम एक स्प्रिंग के तौर पे मॉडल कर सकते हैं, वो एक स्प्रिंग की तरह होता है, इसलिए हम सॉलिड्स को दबा सकते हैं, खींच सकते हैं और वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इन एटॉमिक फोर्सेस की वजह से और ये जो बॉन्ड्स होते हैं जो स्प्रिंग्स की तरह होते हैं, इनकी वजह से हम कहते हैं कि सॉलिड्स ऐसे मटेरियल हैं जो अपने साइज और शेप मेंटेन करते हैं, इनकी खास फिक्स्ड साइज और शेप होता है। इसके बरक्स फ्लूइड्स हैं जिनकी कोई साइज और शेप नहीं होता और उनके पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर मूव कर सकते हैं। अब हम सॉलिड्स की कुछ एग्जाम पढ़ते हैं, जिसमें पहली किस्म है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे हम ईंटों से दीवार बनाते हैं, सब ईंटें एक जैसी होती हैं और फिर उनसे मिला के हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम दीवार कहते हैं। इसी तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनके अंदर अगर हम एटॉमिक लेवल पे देखें तो दो तीन एटम्स का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं। ये किसी भी शेप में हो सकता है, हम एक क्यूब लेते हैं, ये ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, सिर्फ दो एटम से मिलकर भी एक स्ट्रक्चर बन सकता है। इस स्ट्रक्चर को हम यूनिट सेल कहते हैं और ये ऐसा होता है जैसे दीवार की एक ईंट, और फिर यही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होगा उस सॉलिड के अंदर, यही क्यूब आपको बार बार नजर आएगी। ऐसे सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं क्योंकि वो क्रिस्टल्स की शक्ल में होते हैं। क्रिस्टल क्या होता है, जैसे चीनी का क्रिस्टल होता है, शुगर का, नमक का क्रिस्टल होता है, डायमंड का क्रिस्टल होता है। ज़्यादातर सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर एक यूनिट सेल होता है और वो पैटर्न बार बार रिपीट होके पूरा सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाता है। इसके बरक्स एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। एमॉर्फस लफ्ज का मॉर्फ होता है, फॉर्म से निकला है, और एमॉर्फस जिसका कोई फॉर्म ना हो, शेपलेस, एमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस। एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर कोई यूनिट सेल स्ट्रक्चर नहीं होता जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो। ये ऐसा है जैसे आप ईंटों के बगैर दीवार बनाएं, मिट्टी से दीवार बनाएं, उसके अंदर आपको कोई खास पैटर्न नजर नहीं आएगा, पूरा का पूरा एक रैंडम स्ट्रक्चर होगा। तो इनके अंदर जो एटम्स होते हैं एमॉर्फस सॉलिड के अंदर, उनकी रैंडम अरेंजमेंट होती है। और इसको हम यूं भी देख सकते हैं जैसे कि लिक्विड्स या फ्लूइड्स होते हैं और फ्लूइड्स हवा में रैंडम मूव कर रहे होते हैं, और अगर हम एक लिक्विड को फ्रीज कर दें और वो जिधर है जहाँ है वहीं पर सारे एटम फिक्स हो जाएं, तो हमारे पास एक एमॉर्फस सॉलिड आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर एटम्स की कोई खास अरेंजमेंट नहीं है। इसकी मिसाल है ग्लास। ग्लास एक ऐसा सॉलिड है जिसमें एटम्स की कोई अरेंजमेंट नहीं होती, और इसके अलावा प्लास्टिक्स ऐसे मटेरियल होते हैं, मैन मेड मटेरियल्स, जिनके अंदर कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता, इनको हम एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। पॉलीमेरिक सॉलिड्स तीसरी किस्म है सॉलिड्स की, जो कि एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच की चीज है। इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है एटम्स का, मगर वो कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि एक एक बहुत लंबा सा एटम्स का एक स्ट्रक्चर हो और फिर वो स्ट्रक्चर मुझे एक और जगह पे नजर आए, एक जगह पे मुझे वो सीधी लाइन में नजर आए, दूसरी जगह पे वो थोड़ा सा सर्कल बना हुआ है, तीसरी जगह पे वो जिगजैग की फॉर्म में है। यानी एक स्ट्रक्चर है भी, मगर कुछ हद तक वो उसका स्ट्रक्चर रैंडम भी होता है। ऐसे सॉलिड्स को हम पॉलीमेरिक सॉलिड्स कहते हैं। इनकी मिसाल में पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स या प्लास्टिक मटेरियल्स। प्लास्टिक कुछ अमॉर्फस होते हैं और कुछ सेमी अमॉर्फस यानी पॉलीमेरिक होते हैं। इन सॉलिड्स द एटम्स
are at large distances from each other, are arranged haphazardly, occupy fixed spaces, या form crystal lattice. तो solids के अंदर large distances पे नहीं होते, liquids और gases के मुकाबले में atoms solids के अंदर एक दूसरे के करीब होते हैं. इसका जवाब है no. Are arranged haphazardly, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. अ crystal lattice में, crystalline solids में होते हैं, amorphous के अंदर haphazardly arranged होते हैं. तो yes भी हो सकता है, इसका जवाब no भी हो सकता है. Occupy fixed spaces, yes. Solid में हमेशा fixed spaces, ये हर solid के लिए condition ज़रूरी है. Form crystal lattice, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. तो क्या बात है जो हम यकीन से एक solid के बारे में कह सकते हैं कि वो occupy fixed spaces, option C. अब हम देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. मैकेनिकल यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम सॉलिड्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करें या उनको डिस्प्लेस करें तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं. डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, सॉलिड्स को डीफॉर्म किया जा सकता है. जैसा कि हमने पहली स्लाइड में देखा था कि सॉलिड्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्प्रिंग्स की तरह होते हैं, और अगर एक मैं सॉलिड मटीरियल पूरा लूँ और इसको मैं स्ट्रेच कर सकती हूँ, कंप्रेस कर सकती हूँ, यानी मैं इसकी शेप को ख़राब कर सकती हूँ, इसको डिफॉर्मेशन कहते हैं. मैं किस किस तरह डिफॉर्म कर सकती हूँ? एक ये है कि मेरे पास एक सॉलिड है और मैं इसको स्ट्रेच करूँ, दोनों साइड्स पे फोर्स अप्लाई करूँ और इसकी लेंथ बढ़ा दूँ. इसको हम कहते हैं उसकी लेंथ के अंदर डिफॉर्मेशन पैदा करना. दूसरा, हम उसकी वॉल्यूम को डिफॉर्म कर सकते हैं. अगर मेरे पास एक क्यूब है किसी भी मटीरियल की और मैं इसको सारी छह अतराफ से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूं तो इसके अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच में जो स्प्रिंग्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे और ओवरऑल इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा. तीसरा ये कि मैं उसकी शेप को डिफॉर्म कर सकती हूं, यानी अगर मेरे पास ये क्यूब था और मैंने इसको इसकी फॉर्म चेंज करके एक सर्कल बना दिया, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, लेंथ चेंज नहीं हुई, लेकिन उसकी शेप मैं चेंज कर सकती हूँ. इन सबको हम डिफॉर्मेशन कहते हैं, कंसिडर करते हैं. स्ट्रेस, अगर हम एक सॉलिड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम एक क्वांटिटी बनाते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस, और वो दरअसल होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया. और अगर आपको फ्लूइड से याद हो तो फ्लूइड्स में भी फोर्स पर यूनिट एरिया हम कंसिडर करते थे और उसके यूनिट्स होते थे पास्कल. मगर फ्लूइड्स के केस में हम इसको प्रेशर कहते हैं और सॉलिड के केस में हम इसको स्ट्रेस कहते हैं. मगर इसकी यूनिट पास्कल्स है, प्रेशर की यूनिट है, और ये बराबर होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया. जब हम डीफॉर्म कर रहे होते हैं सॉलिड्स को तो डीफॉर्म करने के लिए हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और हम फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया कंसिडर करते हैं और उसको हम स्ट्रेस कह देते हैं. हम डीफॉर्म किस तरह कर रहे थे? अगर हम लेंथ को डीफॉर्म कर रहे थे तो लेंथ को डीफॉर्म करने के लिए जो स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस. इसी तरह अगर हम वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम को चेंज करने के लिए जो स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है उसको कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस. और अगर शेप को चेंज कर रहे हैं तो कहते हैं ऐसे स्ट्रेस को शीयर स्ट्रेस. जब हम किसी सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में उसकी लेंथ या शेप या वॉल्यूम हम चेंज कर देते हैं. उस चेंज को मेजर करने के लिए हमें क्वांटिटी डिफाइन करते हैं स्ट्रेन, जो कि दरअसल हमें बताता है फ्रैक्शनल चेंज. अगर हमने लेंथ को चेंज किया है तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, यानी कितना लेंथ में चेंज किया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी थी किसी चीज की, इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन. अगर हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन. या अगर हम शेप चेंज कर रहे हैं किसी चीज की तो किस हद तक हमने उसकी शेप चेंज की. अब शेप चेंज हम हजार तरीकों से कर सकते हैं, तो इसलिए हम इस वक्त एक बेसिक शेप ले लेते हैं और उसको हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि शेप हर एक मटेरियल, हर एक शेप के लिए हमें अलग से देखना पड़ेगा कि फ्रैक्शनल चेंज उसमें कितना था. इस केस में अगर हम एक स्क्वायर लें और उसको हम इधर से फोर्स अप्लाई मैं इसके ऊपर करूं और ये यू डी शेप होके ऐसी शेप में आ जाए तो मैं इसका फ्रैक्शनल चेंज किस तरह मेजर कर सकती हूँ? एक तरीका ये है कि मैं एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ जो उसकी पहले थी शेप और अब उसकी नई शेप के बीच में क्या एंगल है, मैं ये एंगल मेजर कर सकती हूँ. तो इस एंगल को मैं कह देती हूँ टैन थीटा. अगर इसकी हाइट ए थी और अब ये वाला डिस्टेंस डेल्टा ए है तो टैन ऑफ थीटा क्या होगा? डेल्टा ए ओवर ए. तो इस खास केस में
जो स्ट्रेन है जिसको मैं कहूंगी, क्योंकि ये शेप चेंज हो रही है तो इसको हम शियर स्ट्रेन कहते हैं. शियर स्ट्रेन है फ्रैक्शनल चेंज इन शेप, जो कि मैंने इस खास शेप के लिए डिफाइन किया है. हर शेप के लिए मुझे देखना पड़ेगा मैं उसका फ्रैक्शनल चेंज किस तरह मेजर कर सकती हूँ. तो ये तीन तरह के स्ट्रेन हैं जो कि पैदा होते हैं तीन तरह के स्ट्रेसेस के नतीजे में. जितना स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी सॉलिड के ऊपर उतना ही स्ट्रेन उसके अंदर पैदा होता है, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो उसके कांस्टेंट को हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये कांस्टेंट होता है और तीन जो केसेस हमने देखे, लेंथ, वॉल्यूम और शेप, उन तीनों केसेस में इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक मुख्तलिफ नाम होता है और मुख्तलिफ उसकी मैग्नीट्यूड मुख्तलिफ है. फर्स्ट केस में हम लेंथ लेते हैं, लेंथ के केस में इसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं. तो टेंसाइल स्ट्रेस बराबर है यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन, यानी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम स्ट्रेस बराबर है बल्क मॉडुलस, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम. और तीसरे केस में शीयर स्ट्रेस बराबर है शीयर मॉड्यूलस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन शेप ओवर ओरिजिनल शेप, जो कि हमने कहा था कि टैन थीटा हम एक खास शेप के लिए कंसिडर कर रहे थे. अगर मैं एक सिंपलेस्ट केस लेती हूँ जिसमें एक फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में चेंज इन लेंथ आता है किसी सॉलिड में, तो फिर फोर्स को चेंज इन लेंथ से मल्टीप्लाई करके मेरे पास वर्क डन आ जाएगा जाउल्स में, जो मुझे बताएगा कि अगर मैं इतना लेंथ चेंज करना चाहती हूँ तो फिर मुझे कितनी जाउल एनर्जी रिक्वायर्ड है. इसको हम ग्राफ की फॉर्म में भी ले सकते हैं. अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स लूँ न्यूटन में और एक्स एक्सिस के ऊपर लेंथ लूँ मीटर्स में, तो चूंकि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, तो चेंज इन लेंथ, जैसे जैसे हम स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे चेंज इन लेंथ इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनली. तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. इस लाइन का एरिया अंडर द कर्व अगर मैं लेती हूँ, एरिया अंडर द कर्व हमें हमेशा वो क्वांटिटी देता है जो हमें वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके मिलता है. इस केस में फोर्स को चेंज इन लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वर्क आएगा जाउल्स में, और जितना हम वर्क परफॉर्म करते हैं उतनी हमें एनर्जी चाहिए होती है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक. तो इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व लेके मुझे पता चल जाएगा कि इतना चेंज इन लेंथ लाने के लिए किसी मटेरियल के अंदर मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है जाउल्स में. हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट करते हैं एक सॉलिड का जिसके ऊपर हम टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करें, यानी उसकी लेंथ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. इसका ग्राफ कुछ इस किस्म का होता है. इस ग्राफ को हम मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक वो रीजन है कि जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करें उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है उसको मैं सिग्मा पी से रिप्रेजेंट करती हूँ, और ये प्रोपोर्शनल लिमिट को रिप्रेजेंट करता है. उसके बाद अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई करती हूँ तो स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता, मगर एक खास लिमिट तक अगर मैं स्ट्रेस रिमूव कर लूँ तो वो सॉलिड अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाएगा. उस लिमिट को हम सिग्मा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, और इस पूरे रीजन को हम इलास्टिक रीजन कहते हैं. अगर हम स्ट्रेस रिमूव कर लेंगे तो वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगी. इसके बाद एक रीजन शुरू होता है जिसमें अगर हम स्ट्रेस रिमूव भी कर लें तो वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आती. इस रीजन की जो लिमिट है उसको हम सिग्मा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्ट्रेस की वैल्यू है इस पॉइंट के ऊपर. ये रिप्रेजेंट करता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैक्सिमम स्ट्रेस जो वो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि इस रीजन के बाद वो मटेरियल जल्द ही टूट जाता है. इसके बाद हम स्ट्रेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा जिसके ऊपर वो मटेरियल ब्रेक हो जाता है. इसको हम सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेस. जहां तक वो मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा था, यानी कि ब्रेक होने से पहले पहले, इस रीजन को प्लास्टिक रीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वो मटेरियल वापस अपनी शेप रिटेन नहीं करता अगर हम स्ट्रेस रिमूव कर दें तब भी.
जो मटेरियल्स प्लास्टिसिटी शो करते हैं उन मटेरियल्स को हम डक्टाइल कहते हैं, यानी वो एकदम से ब्रेक नहीं होते बल्कि पहले वो डी शेप होते हैं, इस तरह डी शेप होते हैं कि वो वापस अपनी शेप रिकवर नहीं करते अगर आप स्ट्रेस रिमूव कर लें। इनकी एग्जाम्पल्स में मेटल्स हैं, सॉफ्ट मेटल्स, आयरन, उसको हम अगर मोड़ते हैं या उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वो पहले बेंड होगा फिर एक पॉइंट के बाद वो ब्रेक होगा। इसके बरक्स वो मटेरियल होते हैं जिनको हम ब्रिटल कहते हैं, उनके अंदर कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता, वो जैसे ही वो अपनी इलास्टिक लिमिट क्रॉस करते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, मसलन ग्लास।